हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? माय साइंस अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसेट फिजिक्स क्लास 12th की, और चैप्टर चल रहा है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं इसमें बात करूंगा कि मेरा विद्युत परिपथ क्या होता है, कि विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत या विद्युत परिपथ, कि जो विद्युत अवयव है, जैसे प्रतिरोध है, संधारित्र है, प्रेरकत्व है, सेल है, इनको यदि हम संयोजित कर दें तो दोस्तों क्या बन जाता है? एक सर्किट मेरे पास तैयार हो जाता है, यानी कि प्रतिरोध, सेल, संधारित्र या फिर प्रेरक, इनको जोड़ने से मेरा क्या हो जाता है? विद्युत सर्किट तैयार हो जाता है। और इनका जो संयोजन होता है उसी से निर्माण होता है मेरा जाल का। तो सबसे पहले मैं इसमें कुछ टर्म के बारे में बात करूंगा कि एक तो लूप क्या होता है, शाखा क्या होती है और संधि बिंदु क्या होता है। फर्स्ट मैं बात करूंगा शाखा यानी कि ब्रांच। जब हम किरचॉफ के दोनों रूल पढ़ेंगे तो हम यहाँ शाखा, संधि बिंदु इनके बारे में पता होना चाहिए। तो हम देख लेते शाखा यानी कि ब्रांच। अब शाखा क्या होती है? देखो जाल क्या होता है, सबसे पहले कि जाल क्या होता है, कि जो विद्युत अवयव हैं उनका संयोजन है, यानी प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरक, इन सेल, इनका संयोजन क्या कहलाता है? जाल कहलाता है। यानी इनका संयोजन कर दे तो वो क्या बन जाता है मेरे पास? जाल बन जाता है। तो परिपथ का वह भाग जहाँ धारा का मान समान रहे वो क्या कहलाती है? मेरी शाखा कहलाती है। यानी कि शाखा क्या होती है? परिपथ का वह भाग जहाँ धारा का मान समान रहे। वो क्या कहलाती है? शाखा कहलाती है। इसके अलावा सेकंड में बात करता हूँ कि लूप क्या होती है, लूप या पाश। कि कोई परिपथ है उसमें जो बंद जाल होता है उसे हम कहते हैं पाश या लूप। यानी कि जो जाल क्या होगा? प्रतिरोध, सेल, संधारित्र, इनका क्या होगा? संयोजन। और ये ऐसे बना के सर्किट मैंने बंद कर दिया, यानी कि ये मेरा जैसे प्रतिरोध है और ये मेरा सेल है, ये मेरा संधारित्र है, मान लो इनको जोड़ दिया और ये इनको ऐसे बंद कर दिया प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? एक जाल हो जाता है। और कैसा जाल? बंद जाल। यानी कि सर्किट चालू है, कहीं से ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? बंद जाल है। तो पाश क्या हो जाएगा? कि परिपथ का जो बंद जाल है वो क्या कहलाता है? पाश या लूप कहलाता है। परिपथ का बंद जाल वो क्या कहलाता है? लूप या पाश कहलाता है। थर्ड में बात करूंगा संधि बिंदु की। संधि बिंदु, अब संधि बिंदु क्या होता है? नोड पॉइंट, कि जहां मेरी तीन
या तीन से अधिक शाखाएं मिलती हैं वो मेरा संधि बिंदु कहलाता है। एक एग्जाम्पल देखूंगा मैं यहाँ पे कि जहां परिपथ में जहां तीन या तीन से अधिक शाखाएं मिलती हैं वो क्या कहलाता है? संधि बिंदु कहलाता है। शाखाएं मिलती है। एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे तीनों ये पॉइंट मेरे कवर हो जाएंगे, शाखा, पाश और संधि बिंदु। जो परिपथ या फिर मैं बोलूं जाल बना लेता हूं कि ये मेरा एक सेल है, इससे ये मेरा प्रतिरोध जुड़ा है, इधर ये प्रतिरोध जुड़ा है, ऐसे ही ये प्रतिरोध जुड़ा है और ये प्रतिरोध जुड़ा है, ठीक है। तो ये मेरा, चाहे तो इसमें और एक्सपेंड कर लूँ, और बड़ा कर लेता हूँ जरा, इसको प्रतिरोध R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4, इसको R5 और इसको R6 नाम दे लेता हूँ। और ये मेरा सेल है यानी विद्युत वाहक बल का स्रोत E। तो देखो ये है शाखा, ये प्रतिरोध है, इसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? समान होगा। ये शाखा है, ये मेरी शाखा है, ये मेरी शाखा है, ये मेरी शाखा है, ये शाखा है, ये एक शाखा है, ठीक है, शाखा क्लियर। अब जो पास क्या होता है, लूप क्या होती है? शाखा देख ले जहां धारा का मान एक समान रहे। बंद जाल क्या कहलाता है? लूप या पास कहलाता है। तो बंद जाल कहाँ बन रहा है? ये सेल हो गया, ये प्रतिरोध हो गया, ये लो, ये मेरा एक जाल बन गया। तो ये क्या है? मेरा पाश है, लूप है। ऐसे ही ये मेरा क्या है? एक पाश है, पाश टू। ऐसे ही ये बंद जाल है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? पाश बोल रहा हूँ। तो ये पाश क्लियर है। नेक्स्ट संधि बिंदु क्या होता है? संधि बिंदु क्या होता है? जहाँ तीन या तीन से अधिक शाखाएं मिलती हैं। तो आपको दिख रहा है ऐसा पॉइंट जहाँ तीन या तीन से अधिक शाखाएं मिल रही हो? यहाँ देखिए, एक शाखा ये, एक शाखा ये, एक शाखा ये। तो ये क्या है? मेरा संधि बिंदु। ए नाम दे दूँ तो ए क्या है? संधि बिंदु। ऐसे ही यहाँ देखिए, ये शाखा, ये शाखा, ये शाखा, यानी ये बी। तो ए और बी क्या है मेरे इसमें? ये है संधि बिंदु, यानी कि ए और बी मेरे क्या है? संधि बिंदु है। तो आपको पाश या लूप, संधि बिंदु और शाखा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम देखते हैं किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के नियम पढ़ने से पहले कि जो किरचॉफ ने दो नियम दिए हैं, एक तो वोल्टेज का लो, एक करंट का लो। अब जो ये किरचॉफ को दो वोल्टेज देने की ज़रूरत क्या पड़ी, या फिर किरचॉफ के नियम की उपयोगिता क्या है, ये हमें किसी विद्युत परिपथ में किस प्रकार से उपयोगी है, यानी कि इनकी हेल्प से हमें क्या बेनिफिट होगा। तो किरचॉफ के नियमों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी विद्युत परिपथ है उसके किसी भाग में धारा का मान निकाल सकते हैं। अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा, यानी कि परिपथ के किसी भाग में धारा निकाल सकते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम से, यानी धारा के नियम से। किसी भी जटिल जाल में तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। इसके अलावा परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच क्या निकाल सकते हैं? विभवांतर निकाल सकते हैं। यानी कि ये तीनों चीज़ें हम इनसे कर सकते हैं कि परिपथ में हम निकाल सकते हैं
धारा का मान, ठीक है, किसी भी जटिल जाल या परिपथ है उसमें तुल्य परिपथ वो तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं, ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकाल सकते हैं। तो यदि आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि किरचॉफ के नियम किस प्रकार उपयोगी हैं, तो आप बता सकते हैं ये तीनों चीजें। तो स्टार्ट करते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है? किरचॉफ का प्रथम नियम, इसे हम किरचॉफ का संधि बिंदु का नियम या फिर धारा का नियम भी कहते हैं। KCL, किरचॉफ करंट्स लॉ, या फिर धारा का नियम, या फिर इसे बोल देते हैं संधि का नियम। और किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है? कि किसी संधि बिंदु पर धाराओं का जो बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। यानी कि कोई भी जो संधि बिंदु है, संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी कि समेशन आई इक्वल टू होता है 0। कैसे होता है अभी हम देखेंगे। तो किरचॉफ का प्रथम नियम कह रहा है कि संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। यानी कि अगर मैं एक संधि बिंदु ले लूं, यहां मैं एक संधि बिंदु ले रहा हूं, ये कोई संधि बिंदु है, अभी मैं सर्किट नहीं बना रहा हूं, केवल सादा सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये चार शाखाएं मैंने जोड़ दी। आपको पता है कि संधि बिंदु के लिए तीन शाखाएं होनी चाहिए न्यूनतम। तो अब इसमें मेरे पास धारा कैसे बह रही है कि एक ये धारा आ रही है, एक ये धारा आ रही है, इसके अलावा ये दो धाराएं जा रही है, इनको मैं नाम दे दूं I1, I2, I3, I4, ठीक है। तो किरचॉफ का नियम ये कहता है कि संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। यानी कि इस बिंदु पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, यहाँ कोई धारा रुकती नहीं है, कि इस पॉइंट पे जितनी धारा आती है उतनी ही धारा चली जाती है। तो देखते हैं, यानी कि धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? देखो, इससे पहले हम इसकी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं कि यदि संधि बिंदु पर आने वाली धारा, वो तो होती है धनात्मक, आने वाली धारा क्या होती है? धनात्मक, यानी इसका चिन्ह होगा धनात्मक। और संधि बिंदु से जाने वाली धारा क्या होगी? संधि से जाने वाली धारा वो क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो इसी आधार पे हम यहां संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग निकाल लेते हैं।
यानी कि यहाँ आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं, इस बिंदु पर कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं, एक ये धारा एक ये धारा, यानी कि I2 कैसा होगा मेरा, धनात्मक होगा, धनात्मक सिंबल है इसका। ऐसे ही I4 आने वाली धारा है तो इसका सिंबल भी क्या होगा, धनात्मक होगा। अब इससे जाने वाली धारा कौन कौन सी है, I1 और इसको मैं इधर कर लेता, ये I4 इधर जा रही है, ठीक है। तो जाने वाली धारा कौन कौन सी है, I1 और I3, यानी कि माइनस I1, जाने वाली धारा माइनस में लेते हैं तो माइनस I1, ऐसे ही जाने वाली धारा है मेरी I3, यानी कि माइनस में इक्वल टू क्या होगा, जीरो। यानी कि क्या था मेरा समीशन I इक्वल टू जीरो, कि धाराओं का बीजगणित योग क्या था, शून्य था। तो यहाँ से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, I2 प्लस I4 इक्वल टू I1 प्लस I3, ठीक है, लिख सकते हैं। यानी कि I2 प्लस I4 कैसी धाराएं हैं, आने वाली धाराएं, I1 I3 कैसी धाराएं हैं, जाने वाली धाराएं। यानी कि यहाँ से यह निष्कर्ष निकला कि आने वाली धारा इक्वल टू जाने वाली धारा, यानी कि आने वाली धारा बराबर होती है जाने वाली धारा। ये भी हम किरचॉफ का जो फर्स्ट लू है उसका स्टेटमेंट ऐसा भी दे सकते हैं कि आने वाली धारा बराबर होती है जाने वाली धारा के। ये एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया हमने, क्योंकि जो संधि बिंदु पर आ रही है धारा और जो इससे जा रही है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि धारा जाएगी कहाँ, जितनी आई उतनी ही जाएगी। बंद लूप और खुला लूप दोनों के लिए क्या होता है, वैध होता है। दोनों के लिए क्या है, वैध है। और यहां से मैंने देखा कि आने वाली धारा बराबर है जाने वाली धारा, तो ये जो केसीएल लॉ है, प्रथम लॉ है करंट लॉ, इसमें आवेश संरक्षण के नियम का भी क्या होता है, पालन होता है। आवेश संरक्षण के नियम का पालन होता है, और कैसे होता है ये मैं देख लेता हूँ। यदि ये मान लूँ मैं कि t समय पर यहाँ जो आवेश की मात्रा यदि q1 हो, इसमें q2 हो, इसमें q3 हो और इसमें q4 हो, यानी कि किसी समय t पर जो आवेश की मात्रा q हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, I1, सॉरी I बराबर क्या होता है, q अपॉन में t, यानी कि धारा I1 है तो मेरा आवेश के लिए q1 मान लो, ये हो जाएगी q1 अपॉन में t। ऐसे ही I2 के लिए क्या हो जाएगी, q2 अपॉन में t। ऐसे ही I3 के लिए क्या हो जाएगी, धारा q3 अपॉन में t। ऐसे ही I4 के लिए क्या हो जाएगी, q4 अपॉन में t। तो यहाँ से I2 प्लस I4 इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I3। तो इसमें यदि मैं कि I1 को रख लूँ मैं, I2 को क्या रख सकता हूँ, q2 अपॉन में t प्लस I4, यानी कि q4 अपॉन में t इक्वल टू I1, q1 अपॉन में t प्लस q3 अपॉन में t। अब ये टी कॉमन टी, इसका एक साथ एलसीएम लिखे मैं ख़त्म कर सकता हूँ, तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, Q2 प्लस Q4 इक्वल टू Q1 प्लस Q3, यानी कि जितना आवेश पहले था उतना ही आवेश बाद में है, यानी कि आवेश के संरक्षण के नियम का यहाँ पालन हो रहा है। तो ये तो बात रही मेरी किरचॉफ के फर्स्ट
लोकी। अब मैं देखता हूं किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसे मैं किरचॉफ का द्वितीय नियम बोलूं या फिर किरचॉफ का वोल्टा नियम बोलूं, यानी KVL, किरचॉफ वोल्टेज लो, या फिर पाश या लूप का नियम। तीनों में से मैं कुछ भी बोल सकता हूं। तो ये जो सेकंड लॉ है, ये क्या कहता है कि किसी बंद परिपथ में, जो मेरा फर्स्ट लॉ था यानी करंट वाला, वो खुले बंद परिपथ दोनों के लिए क्या था, वैध था। लेकिन ये क्या कह रहा है कि जो किसी बंद परिपथ में वोल्टताओं का बीजगणित योग क्या होता है, शून्य होता है। यानी इसका स्टेटमेंट क्या है, किसी बंद परिपथ में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि समीशन वी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। या फिर मैं कह सकता हूं कि सेल के सिरों पर जो विद्युत वाहक बलों का योग है, वो प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि, या फिर इसको दूसरे रूप में कह सकता हूं मैं कि सेल के सिरों पर जो विद्युत वाहक बल होता है, वह प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के तुल्य होता है। यानी कि दोनों तरह से हम जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है उसका स्टेटमेंट दे सकते हैं कि वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, या फिर सेल के सिरों पर जो विद्युत वाहक बल है, वह प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के क्या होता है, तुल्य होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि समीशन ई इक्वल टू होगा समीशन आई आर। दोनों तरीके से मैं जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है उसको बता सकता हूं कि समीशन ई इक्वल टू आई आर, या फिर समीशन वी इक्वल टू जीरो। अब जो किरचॉफ का सेकंड नियम है, ये दो नियमों का पालन करता है, एक तो ओम के नियम का और एक ऊर्जा संरक्षण के नियम का। ओम का नियम एवं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये तो रही मेरे बात स्टेटमेंट की, ऋण की। अब इसमें टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, चिन्ह परिपाठी कि जो वोल्टता का मापन कैसे करेंगे किसी बंद लूप में, और उसका जो चिन्ह किस तरह से हम लेते हैं। तो जो चिन्ह परिपाटी किस आधार पे होगी, फर्स्ट कि परिपथ में विद्युत धारा की दिशा में प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी कि परिपथ में धारा की दिशा में प्रतिरोध
के सिरों पर विभवांतर ये क्या होता है? धनात्मक होता है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में यदि हम विभवांतर माप रहे हैं, प्रतिरोध के सिरों पर धारा के विपरीत दिशा में यदि विभवांतर माप रहे हैं तो ये क्या होगा? ऋणात्मक होगा। सेकंड है, यदि परिपथ में धारा की दिशा में सेल का जो ऋण टर्मिनल है, यानी कि परिपथ में धारा बह रही है और धारा की दिशा में सेल के जो ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर चलने पर जो विद्युत वाहक बल होगा वो कैसा होगा? धनात्मक होगा। यानी कि परिपथ में धारा की दिशा में अब जो कोई बैटरी जुड़ी है उसके ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर विद्युत वाहक बल कैसा लेते हैं हम? धनात्मक लेते हैं। यानी कि धारा बह रही है और उसी दिशा में बैटरी के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर यदि हम चलें तो विद्युत वाहक बल कैसा होगा? धनात्मक होगा। इसके विपरीत धारा के एंटी में हम धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर चल रहे हैं तो जो मेरा विद्युत वाहक बल है वो कैसा होगा? ये होगा मेरा ऋणात्मक। तो ये दोनों जो चिन्ह परिपाती है इनका हम यूज करेंगे और परिपथ में देखते हैं। ये जो चिन्ह परिपाती है ये जो किरचॉफ के नियम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं उनको सोल्व करने में आपको हेल्प करेगी। यानी कि किसी भी सर्किट को हम सोल्व कर सकते हैं किरचॉफ के दोनों नियमों से। तो मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, ये प्लस माइनस, ये सेल है, इसका विद्युत वाहक बल ए1 मान लेता हूँ, ये मेरा प्रतिरोध आर वन, ये प्रतिरोध आर टू। अब जो यहाँ आपको देखो दो पास दिख रहे हैं, यानी दो लूप दिख रहे हैं, एक तो लूप ये है एक लूप ये है, इसका विद्युत वाहक बल मैं मान रहा हूँ ई टू प्लस या माइनस। तो किरचॉफ का सेकेंड नियम लगाऊंगा मैं यहाँ और इसमें धारा बह रही है मेरी इधर से इधर की ओर, यानी कि यदि जो इसमें बहने वाली धारा है मैं आई वन मान लूँ, इसमें धारा बह रही है आई वन, यहाँ क्या बह रही है? आई वन, ठीक है। इसमें क्या धारा बह रही है? इसमें धारा बह रही है मेरी आई टू, इधर भी धारा आई टू, ये आई वन आ रही है, इधर से आई टू आ रही है, इधर ये मेरा संधि बिंदु बन गया। अब यहाँ मैं धारा की गणना कर सकता हूँ क्या? ये संधि बिंदु बन गया, इधर से धारा आ रही है आई वन, इधर से धारा आ रही है आई टू, तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, यानी कि अगर इस बिंदु को मैं क्या मान लूँ ए बी सी डी, यानी कि
जो डी बिंदु है ये क्या है, संधि बिंदु है। तो यहाँ किरचॉफ का प्रथम नियम लगा सकता हूँ केसीएल से कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, यदि जाने वाली धारा क्या हो मेरी आई थ्री, धारा कौन कौन सी आ रही आई वन एंड आई टू, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ आई वन प्लस आई टू इक्वल टू क्या होगा आई थ्री के, ठीक है। अब मेरी यहाँ दो लूप हैं, एक लूप ये है एक लूप ये है। अब देखो इसमें धारा ऐसे बह रही है और इसमें धारा ऐसे बह रही है, ये मेरा प्रतिरोध आर थ्री है। तो किसी भी लूप में मैं किरचॉफ का सेकंड नियम लगा लेता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं ये लूप ले लेता हूँ ये वाली, तो लूप ए बी सी डी ए सी, तो या तो मैं ये स्टेटमेंट के हिसाब से वो कर लूँ कि धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है, शून्य होता है, या फिर जो मैं दूसरा स्टेटमेंट है मेरा कि जो सेल का विद्युत वाहक बल है प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इस लूप को, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि प्रतिरोध R1 है, इसमें धारा किस दिशा में बह रही है, इस दिशा में बह रही है। तो धारा की दिशा में यदि मैं विभवांतर का मापन करूँगा तो कैसा आएगा, धनात्मक, और विभवांतर क्या आएगा, धारा I और प्रतिरोध R का गुणनफल, यानी कि I1 R1, ठीक है, गुणनफल क्या आएगा, धनात्मक। ऐसे ही अब मैं चल रहा हूँ धारा की दिशा में, धारा इधर चल रही है और धारा की दिशा में अभी मैंने चिन्ह परिपाटी बताई थी कि धारा की दिशा में ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर चलता हूँ तो जो सेल का विद्युत वाहक बल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। यानी कि यदि सेल के सॉरी ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर चलता हूँ तो सेल का विद्युत वाहक बल कैसा होता है, धनात्मक होता है, यानी कि इक्वल टू ई वन, ठीक है। अब इधर मैं चल रहा हूँ, धारा ऐसे बह रही है इस सर्किट में और धारा के विपरीत दिशा में मैं धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर चल रहा हूँ तो ये विद्युत वाहक बल क्या होगा, माइनस ई टू, ठीक है। अब इसमें धारा बह रही है इधर और मैं विभवांतर का मापन कर रहा हूँ धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि ये क्या होगा, माइनस का धारा I2 और प्रतिरोध R2, यानी कि I2 R2 इक्वल टू क्या हो गया, E1 माइनस E2। या फिर दूसरे तरीके से मैं लिख सकता हूँ, यदि मैं ये मान लूँ कि इसमें इधर से मैं मापन करूँ तो इस कंडीशन में क्या होगा, यदि इधर से मैं मापन कर रहा हूं तो धारा इधर से इधर बह रही है, यहां से ले लेता हूं मैं, ठीक है। धारा की दिशा में मैं विभवांतर का मापन करूंगा तो क्या आएगा, विभवांतर धनात्मक आएगा, यानी कि I2 R2 इनका गुणनफल क्या आएगा, धनात्मक, ठीक है। अब धारा की दिशा में ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर चलूंगा तो विद्युत वाहक बल क्या आएगा, धनात्मक, यानी कि E2। अब धारा के विपरीत मैं धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर चल रहा हूं तो विद्युत वाहक बल कैसा आएगा, ऋणात्मक। और इधर धारा के विपरीत दिशा में मैं क्या करूंगा, विभवांतर का मापन, यानी कि I1 माइनस का I1 R1। तो ऐसे हम दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं, किरचॉफ का सेकंड नियम इसमें लगा सकते हैं और जो परिपथ में धारा का विभवांतर का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। आप इससे रिलेटेड एग्जांपल्स कीजिए तो आपको और क्लेरिफाई हो जाएगा। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।